दोस्तों, आप लोगों ने कभी ना कभी मछलियों के बारिश के बारे में तो ज़रूर सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में ऐसा भी प्लेस है जहां पर हर साल एक ही जगह पर मछलियों की बारिश होती है? और क्या आपने कभी ऐसी झील के बारे में सुना है कि जिसके ऊपर से उड़ने वाली पक्षियां अपने आप पत्थर का बन जाते हैं? तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए दुनिया में होने वाले 10 अजीबोगरीब फेनोमेनास के बारे में बताऊंगा, जिनके बारे में सुनकर आप भी हैरान हो जाओगे। और इन्हीं 10 फेनोमेना में से एक फेनोमेना ऐसा भी है जिसमें दो समुद्र के पानी एक दूसरे को टच तो करते हैं पर कभी एक दूसरे से मिलते नहीं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में आप सभी को बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं दुनिया के टॉप 10 मोस्ट डेंजरस नेचुरल फेनोमेना के इस वीडियो को। नंबर 10 पर है नॉर्वेजियन डेड हेरिंग्स। यह अजीब घटना 2012 की है, जहां लगभग 20 टन नॉर्वेजियन हेरिंग नॉर्थ नॉर्वे सी के किनारे मरी हुई मिली, और ये सारी मछलियां वहां से रातों रात गायब भी हो गईं। इतना बड़ा हादसा क्यों और कैसे हुआ, इसके बारे में आज तक कोई भी खुलासा नहीं हुआ है। बहुत से वैज्ञानिकों ने इस घटना को अपने एक्सपीरियंस के बेस पर बताया, पर कोई भी इस घटना को सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि 20 टन से भी ज़्यादा मछलियाँ किनारे पर आकर कैसे मर गई और सारी की सारी मछलियाँ रातों रात वहाँ से कहाँ गायब हो गईं। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना था कि इतनी सारी मछलियाँ तेज तूफान के कारण ये किनारे पर आ गई होंगी। तो कुछ का कहना है कि कोई बड़ी शिकारी मछली ने इस सभी मछलियों का पीछा किया होगा, जिस कारण से ये मछलियाँ किनारे पर आकर मर गई होंगी। कुछ का कहना है कि ये शायद किसी बीमारी के वजह से हुआ होगा, लेकिन आज तक कोई भी सही एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया है। नंबर 9 पे है रिंगिंग रॉक। यूएसए के पेंसिल्वेनिया राज्य में एक ऐसा रहस्यमय पत्थरों से भरा क्षेत्र है, जहां के पत्थरों पर चोट करने पर इन पत्थरों से किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के तरह आवाज आ जाती है, और यहां की हर चट्टानों की अपनी एक अलग आवाज़ है। यह क्षेत्र एक टूरिस्ट हब के रूप में आगे बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ आकर लोग खूब इंजॉय करते हैं। और सिर्फ यही नहीं, अपने भारत में भी ऐसी चट्टानें देखने को मिल जाएंगी जिसका यूज़ पिलर्स के तौर पर कई सारे टेंपल्स में किया गया है। लेकिन इन रहस्यमयी चट्टानों से आखिर ऐसी आवाज़ें आती कैसी हैं, इस पर वैज्ञानिकों की अलग अलग राय है। कुछ का मानना है कि ये चट्टानें लिथोफोनिक रॉक से बनी हुई है, और कुछ रिसर्चर्स का कहना है कि जब ये चट्टानें लावा के ठंडे होने पर बन रही थी, तब इनमें हाई प्रेशर स्ट्रेंथ बन गया, जिस कारण ये चट्टानें इस तरह बिहेव करती हैं। लेकिन इस घटना पर कोई श्योर कुछ नहीं बता पाता, जिस कारण ये आज भी रहस्य बना हुआ है। नंबर 8 पर आती है सनई तिम्पिस्का रिवर। यह एक ऐसी रिवर है जिसे बॉइलिंग रिवर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये रिवर दुनिया की इकलौती बॉइलिंग रिवर है। इस रिवर की टोटल लंबाई मात्र 6.4 किलोमीटर है, और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस रिवर में आज तक जो भी जीव गिरा वो नहीं बच पाया, और वो जीव बचेगा भी कैसे, क्योंकि इस रिवर का टेम्परेचर लगभग 100 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, जो कि मिनटों में किसी भी जीव को उबाल सकता है। इसके इस खौलते हुए पानी के वजह से इसे बॉइलिंग रिवर के नाम से जाना जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार ऐसे किसी उबलते हुए नदी का होना इम्पॉसिबल है। बस एक ही कारण है कि जिससे कोई नदी इतना ज़्यादा उबल सकती है कि वो नदी के आसपास कोई एक्टिव ज्वालामुखी होनी चाहिए, पर इस नदी के पास क्या दूर तक कोई ज्वालामुखी नहीं है, और जो एक्टिव ज्वालामुखी है भी वो इस नदी से 700 किलोमीटर दूर है। इसलिए साइंटिस्ट इस नदी के पानी के उबलने का कारण पता नहीं लगा पाए हैं। इस नदी में एक सेकंड के लिए भी अपना हाथ या पैर इस नदी के पानी में डाल दे तो वो जगह पूरी तरह से झुलस जाएगा। नंबर 7 पर आती है लेक नेट्रॉन। ईस्ट अफ्रीका के तंजानिया में एक ऐसा झील मौजूद है जिसके ऊपर से गुजरने वाले पक्षियों को ये झील पत्थर का बना देता है। जी हाँ दोस्तों, आप भी हैरान हो गए होंगे ना, लेकिन लेक नेट्रॉन में ऐसा सच में होता है। इस झील में आपको बहुत सारे पक्षियों के स्टैचू देखने को मिल जाएंगे। जो पक्षी इस झील के ऊपर से गुजरे होंगे वो पत्थर बन गए। साइंटिस्ट भी अभी तक यह पता नहीं लगा पाए इस झील के ऊपर से गुजरने वाले बर्ड्स झील में गिरकर पत्थर क्यों बन जाते हैं और कैसे बन जाते हैं। लेकिन कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि लेक की रिफ्लेक्टिव नेचर ने उन्हें अपनी तरफ खींचा होगा, और इन बर्ड्स के पानी में गिरने के बाद पानी में सोडा और नमक की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से इन पक्षियों की डेड बॉडी पत्थर में बदल गई होगी। तो गाइस, क्या आपने इससे पहले ऐसे फिनोमेना के बारे में सुना था? कमेंट करके ज़रूर बताएं। नंबर 6 पर है हेल स्टॉर्म। दोस्तों,
आपने बारिश के मौसम में ओले गिरते हुए कई बार देखा होगा और उसे देखकर आपने एंजॉय भी किया होगा। पर अर्जेंटीना के एक शहर में 2008 को एक ऐसी हेल स्टॉर्म हुई जिसे जानकर आप भी हैरान हो जाओगे। तो 8 फरवरी 2008 को नॉर्मल बारिश के साथ ओले भी पड़ रहे थे, पर कुछ समय बीतने के बाद ओले ने अपना आक्रामक रूप धारण कर लिया और तेज हवा के साथ साथ एक टेनिस बॉल जितने बड़े ओले गिरने लगे। ये ओले इतने बड़े थे कि अगर ये ओले किसी के सर पे गिर जाए तो उसका सर ही फट जाए। ये ओले जहाँ भी गिर रहे थे वहाँ पर इनकी वजह से बाहर लगे गाड़ियों का भारी नुकसान हो रहा था। कुछ गाड़ियों का इतने बड़े ओले के वजह से कांच के शीशे भी टूट गए। बहुत से लोगों को इस हेल स्टॉर्म में चोटें भी आईं। दोस्तों, हेल स्टॉर्म दुनिया में कई जगहों पर होती रहती है, पर उन जगहों पर अर्जेंटीना जितने बड़े ओले कभी नहीं देखे गए। नंबर 5 पे है, टू ओशियंस मीट बट डोंट मिक्स। दुनिया में ऐसी भी घटना होती है जहां दो समुद्र एक दूसरे से मिलते तो हैं पर एक दूसरे में मिक्स नहीं होते। दोस्तों, यह घटना गल्फ ऑफ अलास्का की है, जहां एक ऐसी जगह है जहां दो समुद्र मिलते हुए दिखाई तो देते हैं पर ये दोनों समुद्र आपस में कभी भी मिक्स नहीं होते। जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे होंगे, जिसमें एक साइड का पानी नीले रंग का है और दूसरे साइड का पानी मटमैले रंग का, जो कि गंदा पानी जैसा लग रहा है। यहाँ पर जो पानी ग्लेशियर से पिघल कर आता है वो मटमैला कलर का रहता है और जो साफ नीले रंग का पानी है वो नदियों के द्वारा लाया गया पानी होता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि यहाँ पर खारे और मीठे पानी के कारण और टेम्परेचर में डिफरेंस होने के कारण ये दोनों समुद्रों को आपस में नहीं मिलने देता। यह पूरा बॉर्डर 800 किलोमीटर लंबा है और ऐसा कोई भी जगह नहीं है जहाँ ये दोनों समुद्र एक दूसरे से मिक्स हो रही हों। नंबर 4 पर आती है, मोविल केव। यह केव रोमानिया में 1986 में कुछ कंस्ट्रक्शन के दौरान खुदाई में वर्कर्स को दुनिया की अजीबोगरीब गुफा वर्कर्स को मिली, जो पूरी तरह से बंद थी। आप ये जानकर अचंभे में पड़ जाओगे कि ये गुफा पिछले 55 लाख सालों से बंद पड़ी थी। सदियों से इस गुफा में हवा और सनलाइट भी नहीं पहुंची थी। वर्कर्स जब केव के अंदर घुसे तो उन्होंने पाया कि इस गुफा के अंदर लेक भी है, जो कि पानी के बजाय सल्फ्यूरिक एसिड से भरी हुई है और गुफा बहुत सारी जहरीली गैसों से भरी हुई है। लेकिन इस गुफा में इतनी जहरीली गैसें होने के बाद भी इसमें कुछ छोटे और जलीय जीव भी मौजूद थे, जो कि जहरीली गैस के साथ 55 लाख सालों से यहाँ पर जी रहे थे। इस गुफा में मौजूद जीव को पहले कभी धरती पर नहीं देखा गया था। इन अजीबोगरीब जानवरों ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि इन जीवों ने इतनी जहरीली जगह पर इतने लाखों सालों तक सर्वाइव कैसे किया होगा। नंबर 3 पर है, ट्री वाटरफॉल। यह अजीब घटना मोंटेग्रो के गांव दिनोसा का है, जहां एक पेड़ से झरने की तरह पानी निकलते रहता है। इसे देखने के बाद बहुत से लोग हैरान हो जाते हैं कि ये क्या और कैसे हो रहा है। आप भी ये जानना चाह रहे होंगे कि आखिर ये कैसे होता है। तो ये कोई चमत्कार नहीं बल्कि एक नेचुरल फिनोमेना है, जो कि बारिश के मौसम में देखा जाता है। होता ऐसा है कि जब बारिश होती है तो ज़मीन में मौजूद पानी का लेवल बढ़ जाता है और ऊपर की ओर ज़्यादा प्रेशर लगाने लगता है, जिस कारण ये पानी पेड़ के तने से होते हुए किसी खोखली जगह से बाहर निकलने लगती है। लेकिन यह फेनोमेना आपको सिर्फ यहाँ नहीं बल्कि बहुत सी जगहों पर देखने को मिलेगा। कई बार बारिश के समय जंगलों में भी ये देखने को मिलता है। दोस्तों, आपको इस फेनोमेना के बारे में जानकर कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। नंबर 2 पे आती है, अर्थ पिरामिड। दोस्तों, इस घटना को देखकर आपको ज़रूर लगेगा कि इन पत्थरों को इतने बड़े पिरामिड्स पर कौन रखा होगा और इतनी ऊंचाई पर इन पत्थरों को रखा किसने होगा, क्योंकि नीचे की जगह पूरी तरह खाली ही है। तो या तो इन बड़े पत्थरों को इन पिरामिड पर रखा गया होगा या फिर कुदरती तरीके से ये पत्थर इन चोटियों पर रखे होंगे। लेकिन ऐसा हुआ कैसे? इटली में मौजूद ये अजीबोगरीब चट्टानें अर्थ पिरामिड के नाम से जानी जाती हैं। इन चट्टानों के ऐसे बनने का मेन रीजन तेज बारिश और सूखा है। पहाड़ी इलाकों में तेज बारिश जब जमीन को काटती है तो उस समय ये ऐसी चट्टानें बनती हैं। इन पहाड़ों को पिरामिड की शेप देने में इन बड़े बड़े पत्थरों का अहम योगदान होता है, क्योंकि ये मिट्टी के पहाड़ होते हैं और इनके ऊपर बड़ा सा वजनी पत्थर होने के वजह से जब तेज बारिश में यहाँ की मिट्टी कटती है तो उतनी जगह की मिट्टी कटती है जिस पर ये पत्थर रखा नहीं होता है, और वो मिट्टी कटकर इतनी गहरी हो जाती है कि वो पत्थर ऊपर ही रखा रह जाता है।
नंबर एक पर आती है फिश रेन। आपने मछलियों के बारिश के बारे में तो सुना ही होगा, ये कोई नई बात नहीं है, पर दुनिया में एक जगह ऐसी भी है जहाँ पर कोई एक बार नहीं बल्कि हर साल मछलियों की बारिश होती है, और वो भी एक ही जगह पर। पिछले 100 सालों से भी ज़्यादा समय से यहाँ पर हर साल मछलियों की बारिश होती है। ये जगह मैक्सिको के पास स्थित है। यहाँ के लोगों के मुताबिक 18वीं सदी के लोग यहाँ पर भूख से मर रहे थे, तो इस कारण एक पुजारी ने यहाँ 3 दिन तक मन्नत मांगी, तो उसकी दुआ के वजह से यहाँ हर साल मछलियों की बारिश होती है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ये वाटर स्प्राउट्स की वजह से होता है, क्योंकि ये वाटर स्प्राउट्स समुद्र पर बनते हैं, जिस कारण यहाँ की मछलियों के अंडे वाटर स्प्राउट्स के साथ बादल में चले जाते हैं और धीरे धीरे ये बड़े हो जाते हैं, और ज़्यादा वजन होने पर ये बारिश के साथ धरती पर गिरने लगते हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि समुद्र से 200 किलोमीटर दूर एक ही जगह पर ऐसा क्यों होता है। इसी वजह से यह जगह आज भी अनसुलझा रहस्य है। वैसे दोस्तों, आपको इन सभी फेनोमेनाज में से सबसे बेस्ट फेनोमेना कौन सा लगा, और क्या आपने आसमान में मछलियों की बारिश होते हुए देखा है? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। और क्या आपको इन नेचुरल फेनोमेना के वीडियोज़ का पार्ट 2 चाहिए, ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना। तो गाइस, आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ, जिससे कि उन्हें भी दुनिया के इस अजीबोगरीब फेनोमेनास के बारे में पता लग सके। और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना, ताकि आप आगे की कोई भी वीडियो बिल्कुल मिस ना करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।